अब्दुल्ला का बात को लेके मेरे को मत पूछो आप लोग, वो कन्फ्यूज्ड मास्टर है, ये कन्फ्यूज्ड लीडर है। वो पहले बताए आर्टिकल 370 जब तक वापस नहीं आता है हमारा पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर पार्लियामेंट में क्यों लड़ा, क्यों हार गए वो। इस समय हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी हमारे साथ मौजूद है। सर, उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि धारा 370, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि धारा 370 जो है वो हट जाएगी, और पूरे मुल्क में ये कहा गया कि उसके बाद कश्मीर में जो गोलियों की आवाज़ें हैं वो बंद हो जाएगी। लेकिन 5 साल हो चुका है धारा 370 हटे हुए, अभी तक इनकाउंटर जो है वो जारी है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिवारवाद पर जो है वो सवाल पे सवाल उठाती है। जो इस समय मौजूदा हालात हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बात क्यों नहीं करती? किसका देन है, आतंकवाद का, बंदूक आवाज का, अब्दुल्ला परिवार का देन है इस भारत को? मैं बताना चाहता हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आतंकवाद का गतिविधि होता था, बंदूक चलता था, आरडीएक्स चलता था, संसद के ऊपर हमला हुआ, ट्रेन्स के ऊपर हमला हुआ, होटलों के ऊपर हमला हुआ, अलग अलग सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर, राजनीति लोगों के ऊपर हमला हुआ, आज किधर भी नहीं हो रहे, सिर्फ जम्मू कश्मीर में। इधर इधर कुछ इलेक्शन दृष्टिकोण से जानबूझकर कुछ इंटरनल फोर्सेस, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस मिलके उधर इधर हम है, अभी भी जिंदा है ऐसा बताने के लिए प्रयास करें। कल आदरणीय प्रधानमंत्री बोले आखिरी श्वास में आतंकवाद, अब्दुल्ला परिवार हो, जो भी हो, जितने भी बोलो, ये आतंकवाद भारत में नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कुचल कुचल के रखेंगे आतंकवादों को। धारा 370 को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बात करती है, तो क्या आम जनता उसकी बुनियाद पर वोट डालेगी? सिर्फ आर्टिकल 370 के ऊपर क्यों? हम रोड्स डाले हैं, बिजली लाए हैं, नया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले हैं, एम्स मेडिकल कॉलेज दो रहे हैं, दूसरा 8 मेडिकल कॉलेज रहे हैं, हर गाँव को रोड से कनेक्टिविटी किया है, हर घर को मुफ्त में चावल दे रहे हैं, हर गांव का पंचायत चुनाव किया है, हर ग्राम पंचायत को इंटरनल रोड्स डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है, किसानों को पैसा दे रहे, नेशनल हाईवेज बना रहे, टनल वर्क्स बना रहे, रेलवे वर्क्स बना रहे, टूरिज्म टेररिज्म से आज टूरिज्म कन्वर्ट हो गया जम्मू कश्मीर। लास्ट ईयर लगभग 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट भारत आज़ाद के बाद पहली बार रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आए। क्यों कारी 370 पर वोट मांग रहे हैं? हर विषय पर जो काम करके जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाते हुए, आज जम्मू में देखिए जितने हाईवेज बन रहे, जितने फ्लाईओवर्स बन रहे, जम्मू कश्मीर में किधर भी जाओ फ्लाईओवर्स ही फ्लाईओवर्स जम्मू शहर में आपको दिखते हैं, ये हम कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा, उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम मिलती हैं तो कहीं ना कहीं वो अगर पीडीपी को सीटें ज़्यादा मिल जाती है तो पीडीपी से बातचीत करेंगे। उमर अब्दुल्ला का बात को लेके मेरे को मत पूछो आप लोग, वो कन्फ्यूज्ड मास्टर है, ये कन्फ्यूज्ड लीडर है। वो पहले बताए आर्टिकल 370 जब तक वापस नहीं आता है हमारा पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर पार्लियामेंट में क्यों लड़ा, क्यों हार गए वो, ये कन्फ्यूज्ड मास्टर है। उसके बाद स्टेट वुड नहीं मिलता है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर क्यों लड़ रहे है आपका पार्टी? मैं व्यक्तिगत मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा पार्टी लड़ेगा ऐसा बताए, फिर आप एक नहीं दो जगह लड़ रहे। पहले बताए जो आतंकवाद के ऊपर क्यों आप लोग एक्शन नहीं लेते, वो भी बताते अफजल गुरु को क्यों फांसी दिया है, बहुत गलत है। एक कन्फ्यूज्ड मास्टर है, उनका क्वेश्चन, उनका जो भाषण को मेरे पास का क्वेश्चन करना, ये कन्फ्यूज्ड मास्टर का अपन दोनों, हम भी कन्फ्यूज होता है उनका क्वेश्चन को जवाब देते रहते, इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूज्ड मास्टर है। उनके हाथ में जम्मू कश्मीर रहकर तो जम्मू कश्मीर जनता को पूरा कन्फ्यूज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा डिस्परेट है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए, कितना कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी? डिस्परेट नहीं है, जरूरी है, डिस्परेट नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाने के लिए डिस्परेट नहीं है, जम्मू कश्मीर भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर माताओं के लिए, जम्मू कश्मीर बहनों के लिए, जम्मू कश्मीर ओबीसी लेके, जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट के लिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर और जो भारत के संविधान को पूरा लागू करने के लिए हम डिस्परेट है। हम सत्ता के लिए डिस्परेट नहीं है,
जो भारत में आतंकवाद को पूरा खत्म करने के लिए हम डिस्परेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान से बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा जिस प्रकार से लगातार उमर अब्दुल्ला के द्वारा धारा 370 को लेकर जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर एनसी हो, धारा 370 को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि सालों साल बीत जाएंगे लेकिन धारा 370 जो है वो वापस जरूर आएगी और बड़े सवाल जो है वो धारा 370 को लेकर भी खड़े किए गए। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि अगर धारा 370 हट गई तो उसके बाद क्या कुछ बदला, और जी कृष्ण रेड्डी का क्या कुछ कहना है साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।